प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के बीकानेर में थे। इस दौरान जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। ये झूठों के राजा हैं, ये आपस में ठेके के लिए लड़ रहे हैं। हार देखकर इनके मंत्री विधायक बंगले खाली कर अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं पूरा वीडियो। भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी अब कांग्रेस सरकार को परेशानी है। जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 100% घरों में नल से जल पहुंचा है। इनमें से पूरे देश को 130 जिले और इसमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गुनाह किया है क्या? किस बात की सजा दे रहे हो? क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गलती की है क्या? क्या आपको नल से जल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके घरों में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश के 130 जिलों में हो रहा है, आपका एक जिला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? साथियों, गलती राजस्थान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। इसके लिए वो राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद रखना है, कांग्रेस का एक ही मतलब है। कांग्रेस मतलब
साथियों आपका प्यार सर आंखों पर, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों साथियों कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था, इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी, खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल, कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं, हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में। और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया, इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है, यही इनकी हकीकत है। साथियों विकास के लिए यह जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया? इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया?
पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें राजस्थान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है। इस वजह से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाए हुए हैं। आप मुझे बताइए साथियों, क्या ऐसे लोग राजस्थान का भला कर सकते हैं? राजस्थान के युवकों का भला कर सकते हैं? राजस्थान के गांवों का भला कर सकते हैं? राजस्थान के किसानों का भला कर सकते हैं? इन लोगों से राजस्थान के विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। भाइयों, इन लोगों को मैं आज दो टूक कह देना चाहता हूं। अब ये भ्रष्टाचार की नुरा कुश्ती बहुत हुई, अब लोकतंत्र के अखाड़े में जनता जनार्दन फैसला करेगी। अब राजस्थान को स्थिर सरकार चाहिए, अब राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए, अब राजस्थान को परिवारवाद नहीं, अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए।